कैसे हैं आप सब। आज मैंने एक वीडियो शूट की है बर्गर की, और अब ये मैं दूसरी वीडियो शूट कर रही हूँ। अब मैं बना रही हूँ सेव भाजी। मैंने बहुत जगह सुना है सेव भाजी सेव भाजी सेव भाजी, तो चलो आज बना के देखते हैं। मैं भी पहली बार ट्राई करूँगी और देखते कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। तो चलो करते हैं अपनी रेसिपी शुरू। मैं ना मतलब उसमें मैंने जीरा भी डाल दिया, फिर मैंने प्याज भी डाल दिया। अब मेरे को याद आया कि चलो ना इसकी वीडियो बनाते हैं एक बार, आप सभी को भी दिखाएंगे, आप सभी भी अपने घर पे ट्राई करना सेव भाजी। तो चलो देखिए। तो देखो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम डाल देते हैं इसमें अपने अदरक और लहसुन। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम डाल देते हैं हमारी हरी मिर्च और टमाटर। है मम्मी हींग डालूंगी तो दूध फट जाएगा कोई? देख ले। हाँ इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। और अब हम गैस कम करके इसमें अपने नमक मेरे चलती जो भी डालना है हम वो डाल लेंगे। ये थी घर की लाल मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च। और फ्रेंड्स अब हम टमाटर को बिल्कुल इसके छिलक उतारने तक पका देंगे, घोट देंगे इन्हें इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इन टमाटर को पूरा गलने देंगे और जो मसाले थे वे अभी पक जाएंगे। धनिया पाउडर मैंने डाला नहीं है इसमें, धनिया ऊपर से डाल देंगे, लास्ट में गरम मसाला डाल देंगे बस, ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये कैसी हो चुकी है अभी।
टमाटर तो सारे पक गए। इसके अंदर डाल देते थोड़ी सी काले मिर्च, अच्छा अब हम इसके अंदर डाल लेंगे ना दूध डाल लेंगे। तो पता है दूध डालने से पहले क्या करेंगे हम इसमें ताकि ये फटे ना। वैसे तो दूध निवाल कर लिया था मैंने, फिर भी थोड़ा बहुत लेके चलना चाहिए अपना बैकअप। पहले दूध में इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिला दिया हमने थोड़ी सी सब्जी दूध में लेके, फिर इसके अंदर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, और जो वो है ना फ्लेम वो मंदी रखनी है, मतलब कम रखनी है। और अब इसको दूध को ना कड़ा देंगे हम इसमें मंदी मंदी आंच पे, जब थोड़ा घाटा सा होने लग जाए इसमें भी आ जाए नो बाल आ जाए इसमें, जब इसने हम कर देंगे बंद। और खाने के टाइम पे हम इसमें डाल लेंगे सेव, अगर अब डालेंगे तो फिर वो इसमें वो हो जाएंगी सारी भीग जाएंगी, और उस टाइम डालेंगे तो फिर क्रंची क्रंची रहोंगे। थोड़ा फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे। ये देखो ये उबाल आना शुरू हो गया इसमें साइड में, पता नहीं कैसी बनेगी। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना इसको, एक्सपेरिमेंट है मेरा तो। मेरे को बस ये पता था कि दूध से बनती है। और सब्जी में दूध इसी तरह डलता है तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिए। अच्छा एक काम करते हैं हम इसके अंदर ना क्रीम डाल देते हैं, ठीक है। ये है घर की मलाई, क्रीम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि दूध भी डाला हुआ है फिर वो बिगड़ेगा। और जब हम इसको खाएंगे ना
तो मैं जब इसके अंदर सेव डाल लूँगी उससे पहले गैस जला लूँगी इसकी, जला लूँगी, ऑन कर लूँगी। गैस ऑन करने के बाद सेव डाल दूँगी, गर्म होएगी जब ये, फिर उसके बाद खा लेंगे। अभी नहीं डाल रही हूँ, अभी ये ग्रेवी तो हो चुकी है तैयार। नमक भी ठीक है, खुशबू से लग रहा है, मिर्च भी ठीक है, कलर भी ठीक है। और इसको पकने देते हैं थोड़ी और। पता नहीं क्यों पर मुझे ना इसमें से कांग गई है। हाँ वो वाली खुशबू आ रही है दाल मखनी की। हाँ ये कंसिस्टेंसी है ना इसकी, ये वाली, ये परफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर सेव भी जाएगी बाद में, है ना, और रखी रखी भी गाढ़ी हो जाएगी, ये ठीक है। चलो इसको ढक देते हैं अब। ये लो भाई, तो फ्रेंड्स ये अब हमने दोबारा कर लिया है गैस ऑन और लग गए इस पर बनाने, मतलब रंग मत आया कड़ी जिसी लग है ना मम्मी, कलर मत आया कड़ी जिसी लग, पर यावा नहीं है, या सेव भाजी ही है। तो फ्रेंड्स इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर और, थोड़ा कलर डिफरेंट हो जाएगा इसका। सर जो वीडियो में आया ना ये कलर नहीं है, डार्क कलर है ये थोड़ा, फिर बनी बहुत टेस्टी है। तो चलो अपने भाई को देख आते हैं, ये डाल के थोड़ी सी इतनी बहुत है ना, थोड़ी ले होगा सब्जी क्योंकि वो ले रहा है दूसरी भी। तो चलो देख आते हैं, मैं तो खत्म हो गई ले जो मैं।